हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है शोभित, आपका स्वागत है हमारे ऑल इन्फोटेक चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आप ग्राफिक ड्राइवर इसका कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसका ग्राफिक ड्राइवर कहाँ से ढूंढ सकते हैं, मैं सारा बताऊंगा। अब जैसे कि देख सकते हैं, इस वीडियो के लिए मैं ये GT710 का कार्ड यूज़ करूंगा, जो मैं आपको पीसी में ला के दिखाऊंगा। सारा मैं आपको फुल असेंबलिंग प्रोसेस बताऊंगा, इस ग्राफिक कार्ड को कैसे लगाना है और कैसे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो वीडियो बने रहिए, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आप देख सकते हैं इसके साथ ये बॉक्स आता है। मैं बॉक्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो हमारा बॉक्स है, इसके अंदर मैं आपको सारे दिखाता हूँ क्या क्या एक्सेसरीज आपको मिलती है। सबसे पहले रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के इस बॉक्स को। अब जैसे देख सकते हैं, ये आपको हमारा एक फॉर्म टाइप मिल जाएगा जिसके अंदर हमारा मेन ग्राफिक कार्ड आता है। मैं आपको मेन इसके लिए इसलिए दिखा रहा था, ये तो मैंने अलग से रख रखा है। आपको ये मिलता है एक, ये जो हमारे जो प्री बिल्ड पीसी आते हैं, जो हमारे डेल HP के पीसी होते हैं, जिसमें हमारा केस मिनी ATX होता है। जैसे कि आप, मैं आपको भी केस दिखाऊंगा, वो हमारा फुल ATX है। अगर आपका मिनी ATX केस है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। और जो इसके आगे लगा हुआ आता है, मैं अभी दिखाता हूँ, जो इसके आगे अभी लगा हुआ है, ये फुल साइज में लगा हुआ है। अगर आप इसको लगाएंगे तो ये चीज़ हट जाएगी और ये यहाँ तक आ जाएगा, जो हमारे छोटे जो केस होते हैं उसमें लगाने के लिए होता है। पर हमारा जो कैबिनेट है फुल साइज का है, तो हम इसको सीधा ही लगा सकते हैं। चलिए, अब आपको इतना पता लग गया, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाना है। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारा फुल पीसी, हमारा फुल फुल केस है, ये फुल साइज का केस है। हमारे से एक मिनी ATX आता है, वो मैंने आपको दिखाया था, जो शील्ड वो उसके लिए लगती होती है, जो हमारे में हमें कुछ भी चेंजिंग की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ये पोर्ट है जो ग्राफिक कार्ड का पोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ ये इसके अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये लॉक दिख रहा होगा, ये यूं बंद, इसको ना आपको यहाँ से ये पकड़ के इसको थोड़ा, मैं रुको थोड़ी जूम कर दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको यूँ पकड़े खाली पीछे करना है। पीछे करने से क्या होगा, इसका लॉक खुल जाएगा और हम इसमें ग्राफिक कार्ड सीधा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसमें ग्राफिक कार्ड लगा देंगे, अपने आप लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और आपको इसके साथ एक स्क्रू मिला होगा, जो आपको बॉक्स में मिल जाता है या कैबिनेट के साथ देखने को मिलता है, जो हमारा यहाँ पे टाइट होएगा। मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे लगाना है ग्राफिक कार्ड को। अब जैसे कि देख सकते हैं, मैं वो बताता हूँ ग्राफिक कार्ड कैसे लगाना है। ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसको इस तरह अलाइन करना है कि ये जो बिल्कुल एंड वाली, आप जैसे देख सकते हैं, ये जो एंड है हमारा इधर से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ है जो इसके आखिरी में है, जो आखिर में बिल्कुल इसके एंड से मिले, जहाँ पे इसके अंदर ही घुसेगा। और आपको इसको इस बिल्कुल अच्छी तरह कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा आप जैसे देख खुद लगाने की कोशिश करेंगे, आप आराम से लगा लेंगे। देखते ही आपको बीच में कट भी मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं कट पे फोकस कर रखा है। कट को बिल्कुल आपको इसके जो कट हमारे ग्राफिक कार्ड में दे रखा है उसके अंदर इंसर्ट करना है, और इसको हल्का सा प्रेस करना है, यहाँ से आपको यूँ करके यूँ प्रेस कर देना है, और जिससे कि ये लॉक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये लॉक हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और ये हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह, देख सकते हैं आप। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक स्क्रू मिलेगा इसके साथ या हमारे केस के साथ, वो स्क्रू आपको यहाँ टाइट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कौन सा स्क्रू है। और आपको इस तरह इस जो हमारा स्क्रू है इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है, जिससे हमारा ग्राफिक कार्ड अपनी पोजीशन से बिल्कुल ना हिलेगा ना पीछे, इसमें कोई भी पोर्ट वगैरह लगाएं। इधर देख सकते हैं बिल्कुल टाइट हो चुका है हमारा, बस इतना ही काम था। अब हमारा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो चुका है, बस आपको सिंपली अब इसके केस को बंद कर देना है और पीछे से इसकी वायर लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी वायर तो आप लगा ही लेंगे, मैं फिलहाल मैं बता सकता हूँ मैं लगा चुका हूँ वायर। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरा HDMI है, मैं अपनी आपको टीवी है मेरे पास, तो मैं इसको HDMI से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर VGA है, इसके पीछे आपको VGA का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से VGA और इधर आपको DVI का पोर्ट मिल जाएगा, जो भी आपके पास कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर सिंपली प्लग कर लें। मैं इधर से HDMI इसके अंदर इंसर्ट कर चुका हूँ। तो हमें अब जैसे कि देख सकते हैं, हमें अपने पीसी की तरफ बढ़ना है। पीसी की तरफ बढ़ के आपको क्या करना है, जो भी आप देख सकते हैं जितने भी हमारे आइकन है पीसी वो सारे लार्ज हो चुके हैं। वो लार्ज इस वजह से हुए हैं क्योंकि जो भी हमारे ऑनबोर्ड ग्राफिक्स थे वो डिसेबल हो चुके हैं, और जो हमारे ग्राफिक कार्ड था वो वर्क करने लग गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जो गेम गेम वगैरह हमारी चलती है, हमारे ड्राइवर से ग्राफिक्स ड्राइवर से चलती है, और हमारा ड्राइवर इंस्टॉल है, हमें अब ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और वो कैसे इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली गूगल क्रोम से इसको इंस्टॉल करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली गूगल क्रोम खोलना है और इस पर NVIDIA ड्राइवर सर्च करना है। जैसे ही आप NVIDIA ड्राइवर सर्च कर लेंगे, आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देख जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट लिंक डाउनलोड ड्राइवर्स का है। आपको डाउनलोड ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और आपको एक पेज मिल जाएगा, यहाँ से आपको अपने ग्राफिक कार्ड का मॉडल चूज़ करना है और उसके हिसाब से आपको चूज़ कर, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा GeForce का कार्ड है और इधर से मेरा 700 सीरीज़ है। अगर मान लीजिए आपका GTX 950 है तो इधर से 900 सीरीज़ चूज़ करें, वैसे मेरा 700 सीरीज़ है 700 चूज़ करूँगा।
700 चूज़ करने के बाद हमें यहाँ से अपने ग्राफिक कार्ड का मॉडल चूज़ करना है, जो मेरा 710 है। इधर से आप देख सकते हैं मैं 710 चूज़ कर चुका हूँ। 72 चूज़ करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको चलाना है। मेरी जो विंडो 1064 बिट है वो आप कैसे देख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आपकी 32 बिट है, 64 बिट है, आपको दिस पीसी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे आपको देखने को अपनी जो हमारी ये सिस्टम टाइप है आपको आपको इसके आगे 64 बिट या 32 बिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से फिर आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपको अपने जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो चूज़ कर लेना है। और एक जो आपको नीचे ये दिखेगा कि हमें किस टाइप के लिए चाहिए, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेम रेडी ड्राइवर चूज़ कर लीजिए। अगर आप एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह या सॉफ्टवेयर वगैरह कोई चलाना चाहते हैं, जो हमारा जो इमेज रिसाइजर वगैरह हो गया, तो आप उसके लिए स्टूडियो ड्राइवर चूज़ कर सकते हैं। मैं गेमिंग के लिए इसको लिया ग्राफिक कार्ड, तो मैं इधर गेमिंग करूँगा। और इधर से आप लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, जैसे हमारी इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज है। और आपको यहाँ सीधा सर्च पर क्लिक करना है और आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा वापस, मैं आपको दिखाया था वैसे ही डाउनलोड स्क्रीन आ जाएगी। ऐसे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, जैसे आप डाउनलोड का बटन दबाएंगे आपकी जो डाउनलोडिंग है स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन आ रहा है कि आप वापस करना चाहेंगे डाउनलोड, पर मैं पहले से कर चुका हूँ। तो आपको अपने सीधा डाउनलोड लोकेशन पर जाना है। मेनली जो हमारी लोकेशन होती है वो डाउनलोड्स में होती है। अगर आपके पास IDM वगैरह तो आपको कंप्रेस प्रोग्राम से मिल जाएगा, वरना आपको सीधा यहीं डायरेक्टरी में मिल जाएगी इसके। मेरा फिलहाल यहाँ पे है, जैसे कि देख सकते हैं मैं से अपनी डायरेक्टरी खोल लेता हूँ जब मैंने इसको डाल रखे ड्राइवर को। और आप देख सकते हैं आपको ड्राइवर को देखने को ऐसा कुछ मिलेगा। आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये आपसे एक हमारी लोडिंग सी चलेगी, जो हमारे इसको सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करेगी हमारी लोकल सी में। इसको हम रन कर लेते हैं सिंपली। इसमें हमारे कुछ 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, 5 से 7 मिनट नहीं, आपको पीसी पे डिपेंड है, 1-2 मिनट लग जाएगा। आपका कोई हैवी ग्राफिक कार्ड है तो उसका बढ़िया ड्राइवर होगा ग्राफिक्स का, इसमें एक दो मिनट लगे मुझे। और इधर से देख सकते हैं आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी बाद में। ये स्क्रीन आने के बाद आपकी कंपैटिबिलिटी चेक करेगा, आपके ग्राफिक कार्ड जो है इस ड्राइवर्स के साथ मैच करता ही नहीं करता। अगर मैच हुआ तो इसमें सीधा ये हमारे, जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारी कंपैटिबिलिटी चेक हो रही है, इसके बाद सीधा हमारी इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। ये आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, NVIDIA GeForce एंड GeForce Experience। अगर आपको खाली NVIDIA का ग्राफिक ड्राइवर चाहिए तो नीचे वाला चूज़ करें, अगर ऊपर वाला चाहिए GeForce Experience भी चाहिए और ग्राफिक ड्राइवर चाहिए तो ये चूज़ करें। GeForce Experience का ये फ़ायदा है कि अगर मान लो कल को आपको कोई फ्यूचर अपडेट मिलता है ग्राफिक ड्राइवर का, तो आपको कोई ब्राउज़र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा GeForce Experience से अपडेट कर सकते हैं बिना कुछ ऐसे कुछ लफड़े फफड़े नहीं करने पड़ेंगे। बस सीधा इस पर डाउनलोड पर क्लिक करें, अपने आप इंस्टॉल कर देगा। और इधर से हमने सीधा कस्टम एक्सप्रेस करके इसको इंस्टॉल पर लगा दिया है। अगर आप कस्टम करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको शेडो प्ले वगैरह इंस्टॉल करना चाहें, आपको ऑडियो वगैरह कैसे रखना है, वीडियो ऑडियो चाहिए, शील्ड HD ऑडियो चाहिए। तो यहाँ से इसको होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये जो है स्टार्ट हो चुका है। बस और हमारा ये ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इसमें आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। इसको होने के बाद सिंपली आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, हमारा जो ऑप्शन आप देख सकते हैं फिनिश्ड हो चुका है और आपको ऑप्शन मिल रहा है लॉन्च GeForce Experience का। इसको अनटिक करके हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हम जैसे आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले आइकन है वो भी सारे स्मॉल हो चुके हैं क्योंकि हमारे ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको एक बार चेक भी कराया था हमारा ड्राइवर अच्छी तरह इंस्टॉल हुआ भी है नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके हमारे डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा हमारे डिस्प्ले सेटिंग्स का। डिस्प्ले सेटिंग आपको यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग्स पे, एडवांस प्रॉपर्टी डिस्प्ले जो हमारी दिखा रहा है ये आपको दिख जाएगा। हमारा GT710 दिखा रहा है मॉडल नंबर ऊपर, और नीचे आप देख सकते हैं ये हमारी जो वीडियो मेमोरी है वो तो हमारी 2GB है, तो हमारी 2048MB दिखा रहा है। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपकी अफसाई गेम सारी चलेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगली वीडियो मेरी है कि आप ग्राफिक कार्ड को कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं और FPS कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।